हेल्पलाइन पावर प्लांट अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सूट ब्लोअर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो सूट ब्लोअर होता है वो क्या होता है और जो हम लोग सूट ब्लोइंग करते हैं बॉयलर में वो कैसे करते हैं, जो सूट ब्लोअर का जो टाइप्स होता है वो क्या होता है, क्या मीडियम यूज करते हैं, कितनी बार सूट ब्लोइंग करते हैं, क्या देख कर करते हैं और जो सूट ब्लोइंग करते हैं वो क्यों किया जाता है, यानी कि क्या इसका बेनिफिट्स है। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सूट ब्लोअर, तो सूट का मतलब होता है डस्ट और ब्लोअर का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि ब्लो करता हो। तो यानी कि हम लोग इसको अगर डिफाइन करना चाहें टेक्निकली तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इट इज ए डिवाइस फॉर रिमूविंग द सूट दैट इज डिपॉजिटेड ऑन द इंटरनल फर्नेस ट्यूब ऑफ ए बॉयलर ड्यूरिंग कम्बशन टू प्रिवेंट प्लगिंग ऑफ गैस पासेस एंड मेंटेन बॉयलर एफिशिएंसी। तो सूट ब्लोअर क्या है? तो सूट ब्लोअर हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो सूट को यानी कि डस्ट को रिमूव करता है, जो कि डिपॉजिटेड होता है इंटरनल फर्नेस ट्यूब यानी कि जो हमारा बॉयलर का जो फर्नेस होता है, जो हमारे बॉयलर में जो ट्यूब्स होते हैं वहाँ पे जो हमारा जो ये जो डस्ट है जो है जो सूट जो है वो जमा हो जाता है, उसको रिमूव करने का काम करता है ड्यूरिंग कम्बशन, जो हमारा फ्यूल का जो कम्बशन होता है। तो जब फ्यूल का जब कम्बशन होता है तो फ्लू गैस जनरेट होता है और जब फ्लू गैस जब जनरेट होगा तो उसमें क्या होता है, एस पार्टिकल होता है यानी कि डस्ट होता है जिसको सूट कहा जाता है और वही हमारी जो ट्यूब में जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा बॉयलर एफिशिएंसी यानी कि हमारा जो हीट जो ट्रांसफर होता है वो इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से हमारा बॉयलर एफिशिएंसी होता है वो डिक्रीज होने लगता है और ये अगर जो डस्ट है वो ज्यादा अगर जमा होने लगे तो ये हमारे गैसेस का जो पासेस है उसको वो चोक करता है यानी कि उसको जाम करता है, जिसको प्लगिंग कहते हैं, तो उसी को वो प्रिवेंट करने का काम करता है। तो प्रिवेंट प्लगिंग ऑफ गैस पासेस एंड मेंटेन बॉयलर एफिशिएंसी। ओके, तो ये जिसकी मदद से किया जाता है, जिस डिवाइस की मदद से ये डस्ट को रिमूव किया जाता है उसी को कहा जाता है सूट ब्लोअर। ओके, तो सूट ब्लोअर जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है उसको देख लेते हैं। तो जनरली जो सूट ब्लोअर होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक आप देखेंगे आरएसबी यानी कि रोटरी सूट ब्लोअर, जिसको फिक्स सूट ब्लोअर भी कहा जाता है, और जो दूसरा जो है वो है एलआरएसबी यानी कि लॉन्ग रेट्रेक्टेबल सूट ब्लोअर। इसके अलावा एक और आपको सूट ब्लोअर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग डब्ल्यूएसबी या एसआरएसबी कहते हैं। डब्ल्यूएसबी यानी कि वॉल सूट ब्लोअर या एसआरएसबी का मतलब होता है शॉर्ट रेट्रेक्टेबल सूट ब्लोअर। ओके, तो ये जो आरएसबी होता है, आरएसबी जो होता है वो आपका ये जैसे हमारा ये फ्लू गैस पाथ हो गया बॉयलर का, तो ये जो आरएसबी है रोटरी सूट ब्लोअर, तो ये क्या होता है, ये अंदर में ही फिक्स होता है। मान लीजिए ये सूट ब्लोअर है तो ये अंदर में ही इस तरह से फिक्स रहता है। ओके, और जब भी हम लोग इसको रोटेट करते हैं तो बाहर में क्या होता है, मोटर का अरेंजमेंट लगा रहता है, यहाँ से ये मोटर जो होता है वो स्टार्ट होता है, ये अपनी जगह पर ये रोटेट होता है और जो होता है इसमें नंबर ऑफ होल्स लगे होते हैं जिसकी मदद से जो स्टीम जो है वो बाहर निकलता है और यहाँ से जो डस्ट है वो सेपरेट हो जाता है, उसको रिमूव कर देता है। तो ये अपनी जगह पे रोटेट होकर ये जो होता है वो डस्ट को रिमूव करता है, इसलिए इसे रोटरी सूट ब्लोअर कहा जाता है। और चूंकि ये अपनी जगह पे फिक्स होता है इसलिए इसे फिक्स सूट ब्लोअर भी कहा जाता है। इसका जो यूज होता है वो नॉर्मली लो टेम्परेचर एरिया पे किया जाता है, जैसे एपीएस जोन पे या इकोनोमाइजर आउटलेट जोन में इसका यूज किया जाता है। ये अब जो नेक्स्ट है वो होता है एलआरएसबी, तो एलआरएसबी यानी कि लॉन्ग रेट्रेक्टेबल सूट ब्लोअर। यहाँ पे जो हम लोग इस डायग्राम के मदद से समझेंगे कि जो सूट ब्लोइंग का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसे होता है, यानी कि सूट ब्लोइंग कैसे होता है। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का जो एक सूट ब्लोअर दिखाया गया है, इसी को कहा जाता है लॉन्ग रेट्रेक्टेबल सूट ब्लोअर, शॉर्ट में एलआरएसबी। तो यहाँ पे जो ये एल का मतलब होता है, चूंकि ये साइज में बड़ा होता है, जो ये आरएसबी है और डब्ल्यूएसबी है ये इससे बड़ा होता है, इसलिए इसे लॉन्ग कहा जाता है। और रेट्रेक्टेबल करने का मतलब है यानी कि ये अंदर जाएगा और फिर अपने काम करके बाहर आ जाएगा, तो इसलिए इसको रेट्रेक्टेबल सूट ब्लोअर भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जो ये एलआरएसबी जो है इसको हम लोग हाई टेम्परेचर एरिया में यूज किया जाता है, जैसे आपका जो सुपर हीटर जो जोन होते हैं, फाइनल सुपर हीटर, प्राइमरी सुपर हीटर, ये सब जो जोन होते हैं जहाँ पे फ्लू गैस का हाई टेम्परेचर एरिया होता है वहाँ पर इस सूट ब्लोअर का यूज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है डब्ल्यूएसबी और एसआरएसबी। तो ये जो सूट ब्लोअर जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते, यानी कि इसे हम लोग हाई टेम्परेचर एरिया में भी इसका यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसका जो नाम पड़ा है ये डब्ल्यूएसबी, यानी कि ये जो वाल होते हैं, जो फर्निस वाल होता है उसको क्लीनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्निस में ये क्या होता है कि फर्निस के जो वाल उसमें जो डस्ट जमा हो जाते हैं तो उसकी क्लीनिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। बाहर में ही ये एलआरएसबी की तरह ही होते हैं लेकिन साइज में छोटे होते हैं, इसलिए इसको एसआरएसबी भी कहा
कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये बाहर रहते हैं और जब हमको फर्निस को वॉल का क्लीनिंग करना हो तो वो वहाँ पे इसको हम लोग रोटेट करके फिर ये अंदर की ओर जाता है और फिर बाहर निकल जाता है अपना काम करने के बाद। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सूट ब्लोअर। अब जो हम लोग यहाँ पे समझते हैं डायग्राम की मदद से कि जो सूट ब्लोइंग होता है वो कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है, तो इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक फ्लू गैस का जो पाथ हो गया, हमारा बॉयलर का एक पाथ हो गया जहाँ पे फ्लू गैस जो होता है वो फ्यूल का, यहाँ पे मान लीजिए कम्बशन हो रहा बॉयलर में, और जो फ्यूल का जब कम्बशन हुआ तो फ्लू गैस जनरेट हुआ, और फ्लू गैस जो क्या हुआ इस हमारा पाथ पे, सुपर हीटर पाथ पे, इकोनोमाइजर पे और एपीएच जोन पे आया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो फ्लू गैस में जो ऐस है वो यहाँ पे जमा होने लगता। ओके, तो यहाँ पे जमा होने लगा, ये जितने आपको रेड कलर के दिख रहे हैं ये आप ट्यूब्स हो गया, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये एक सूट ब्लोअर हो गया, जिसको हम मैंने यहाँ पे दिखाया है LRSB, ठीक है, लॉन्ग वाला। तो यहाँ पे ये थोड़े अंदर की ओर है जब ये इन करता है। ओके, ऐसे ये नॉर्मली जो पोजीशन होता है वो बाहर की ओर होता है जब ये ऑपरेट नहीं होता है, जब ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तब ये धीरे धीरे अंदर की ओर रोटरी मोशन करते हुए वो अंदर की ओर जाता है। ये हमारा जो है वो मोटर का अरेंजमेंट हो गया, और यहाँ पे ये स्टीम हेडर के साथ जुड़ा रहता है जहाँ से हम लोग ड्राई स्टीम जो होता है वो सप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे एक वाल्व यूज किया जाता है जहाँ जिसको हम लोग पॉपेट वाल्व कहते हैं, और इसी पॉपेट वाल्व के थ्रू हमारा जो स्टीम जो होता है इस ब्लोअर के अंदर जाता है। जब हम लोग इस सूट ब्लोइंग को स्टार्ट करना होता है तो हम लोग मोटर को स्टार्ट करते हैं, और ये मोटर के मदद से ये रोटरी मोशन करते हुए वो अंदर की ओर जाता है, और ये अंदर में या इसके आगे की ओर आप देखेंगे तो इसमें एक नोजल लगा होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स होते हैं, और इसी होल्स के थ्रू क्या होता है कि जो स्टीम है वो बाहर की ओर फेंकता है विथ 360 डिग्री डायरेक्शन, यानी कि चारों तरफ जो है वो आपका स्टीम जो होता है वो ब्लो होता है, और इसके आसपास के एरिया में जहाँ भी डस्ट जो होते हैं वो रहते हैं वो ब्लो करके यानी वहाँ से वो रिमूव हो जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये अंदर की ओर जाता है तो इस जगह पे एक लिमिट स्विच होता है, जैसे ही इसको वो टच करता है तो वो क्या होता है फिर वो रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि पीछे की ओर आने लगता है, और फिर एट द एंड यहाँ पे देखेंगे तो एक लिमिट स्विच और भी होता है, इसको टच करने के बाद क्या होता है हमारा जो सूट ब्लोअर जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से ये डस्ट को यहाँ से क्लीन करता है, यानी कि सूट को यहाँ से क्लीन करता है, और इसी तरह से हमारा जो प्रत्येक जो सूट ब्लोअर है वो वर्क करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ये जो सूट ब्लोइंग जो किया जाता है इसमें हम लोग जो मीडियम यूज करते हैं, जैसे जनरली जो क्या होता है हम लोग स्टीम यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए जो मीडियम यूज किया जाता है इसको हम लोग स्टीम भी यूज कर सकते हैं, एयर भी यूज कर सकते हैं, वाटर भी यूज कर सकते हैं, या इसके कॉम्बिनेशन भी दोनों को मिला के भी यूज किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली जो हम लोग अपने बॉयलर में जो यूज करते हैं वो ड्राई स्टीम का यूज किया जाता है। ओके, और इसका जो प्रेशर जो यूज किया जाता है, कितने प्रेशर पे हमारा स्टीम जो है वो ब्लो करेगा यहाँ पे, तो लगभग 10 से 14 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर पे इसको हम लोग सप्लाई करते हैं यहाँ पे। ओके, ब्लोइंग करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि बॉयलर का डिजाइन कैपेसिटी क्या है, उसके अंतर्गत ही ये आपका ये वेरी करता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका प्रेशर और टेम्परेचर कितना रहता है सूट ब्लोइंग का। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो हम लोग सूट ब्लोइंग जो करते हैं वो क्या देखकर करते हैं, कितनी बार करते हैं। तो देखिए जो सूट ब्लोइंग करते हैं, अब ऐसा तो नहीं ना है कि यहाँ पे जो हम लोग डस्ट जो जमा हुआ है अब हम लोग जाकर फील्ड में जाकर चेक करेंगे मैनुअल खोल के, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्या पैरामीटर है जिसको देखकर हम लोग समझेंगे कि अब हमारा जो सूट ब्लोइंग है वो करने लायक हो गया, अब हमको सूट ब्लोइंग करना है। ओके, तो देखिए दो पैरामीटर ऐसे होते हैं, एक तो हमारा जो फ्लू गैस जो टेम्परेचर है, जो एग्जिट फ्लू गैस टेम्परेचर है, ओके, यानी कि ESP इनलेट टेम्परेचर, और जो दूसरा होता है वो होता है मेन स्टीम टेम्परेचर। ठीक है, मेन स्टीम टेम्परेचर, तो जब कभी हमारा जो फ्लू गैस का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाता है, ओके, बढ़ जाता है, और हमारा मेन स्टीम टेम्परेचर उसी के अनुसार यहाँ पे क्या होता है डिक्रीज होने लगता है, हमको जो डिजायर्ड है वो उस लोड पे मिलता नहीं है, तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि हमारा जो ट्यूब में क्या है डस्ट जमा हो गया है, जिसके वजह से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, हमारा स्टीम को हीट नहीं मिल पा रहा फ्लू गैस से, और इसीलिए हम लोग उस समय क्या करते हैं यहाँ पे सूट ब्लोइंग स्टार्ट करते हैं इसी को देख के। और लगभग कितनी बार सूट ब्लोइंग किया जाता है 24 घंटे में, तो ये डिपेंड करता है कि फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, गैस यूज कर रहे हैं, या लिक्विड जो आपका लिक्विड फ्यूल जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कोयला यूज कर रहे हैं, जैसे PC5 बॉयलर के यानी पल्वराइज कोल फायर बॉयलर का अगर बात करें तो वहाँ पे पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है
ओके तो पाउडर फॉर्म में यूज करने की वजह से क्या होता है, कोल वो अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फ्लाई ऐश जो होता है वो जनरेट होता है, और वो जो ऐश होता है वो डिपॉजिट होने लगता है हमारे ट्यूब में, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो होता है वो सूट ब्लोइंग ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है। लगभग वहाँ पे हमारा 8 से 10 घंटा के बीच में एक बार सूट ब्लोइंग किया जाता है। ओके और अगर इसके अलावा हम लोग बात करें कि जैसे आपका ऑयल फायर्ड बॉयलर हो गया या गैस फायर्ड बॉयलर हो गया, तो वहाँ पे जो सूट का डिपोजिशन होता है वो एकदम ना के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। इसलिए वहाँ पे जो सूट ब्लोइंग किया जाता है वो बहुत ही कम किया जाता है, लगभग आपका 10 से 12 दिन, ओके बस से 10 से 12 दिन के बीच में एक बार सूट ब्लोइंग कर दिया जाता है। ओके अब हम लोग समझते हैं कि जो ये सूट ब्लोइंग हम लोग करते हैं उसकी क्या बेनिफिट्स है, क्यों किया जाता है सूट ब्लोइंग, नहीं करेंगे तो क्या हमारा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ सूट ब्लोइंग, तो जिसमें पहला जो है वो इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट। तो अभी हम लोग देखें कि जब हमारा सूट ब्लोइंग होगा तो क्या होगा, यहाँ से डस्ट जो होगा वो रिमूव होगा और फ्लू गैस में जो हीट है वो स्टीम को सप्लाई होने लगेगा, यानी हीट ट्रांसफर रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस एक तरह से सूट ब्लोइंग करने से हमारा हीट ट्रांसफर रेट जो है वो बढ़ जाता है। सेकेंड जो है रिड्यूस हीट लॉसेज ड्यू टू फ्लू गैस। अब अगर हमारा डस्ट जमा होता रहा तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो नहीं पाएगा और वही जो हीट है वो फ्लू गैस के साथ एग्जिट होने लगता है। अगर कहा जाए कि हमारा बॉयलर में सबसे ज़्यादा अगर हीट लॉस कहाँ होता है तो इसी फ्लू गैस के जरिए ही होता है। तो एक तरह से सूट ब्लोइंग करने से हमारा जो फ्लू गैस के द्वारा जो हीट लॉस होता है वो रिड्यूस होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट जो है रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, अब अगर हमारा डस्ट अगर जमा होने लगे तो क्या होगा कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो उसी हीट को मेंटेन करने के लिए, मेन स्टीम मेंटेन करने के लिए हमको फ्यूल का सप्लाई ज़्यादा देना होगा, तो जिसके वजह से हमारा बॉयलर एफिशिएंसी जो होता है वो डिक्रीज होगा। तो अगर हम सूट ब्लोइंग कर देते हैं तो हमारा डस्ट हट जाएगा और हीट ट्रांसफर होने लगेगा, जिसके वजह से हमारा जो क्या होगा कि फ्यूल कंजप्शन भी होगा वो डिक्रीज होगा। ओके लगभग हमारा अगर 3 mm का अगर सूट जो है वो ट्यूब में जमा हो जाए तो 2.5% जो होता है वो कोल का कंजप्शन, यानी कि फ्यूल का कंजप्शन जो है वो बढ़ जाता है। ओके तो एक तरह से हमारा जो सूट ब्लोइंग कर देते हैं तो हमारा फ्यूल का सेविंग होता है, उसको रिड्यूस करता है। अब जो नेक्स्ट जो है वो है क्लीन द ट्यूब एंड रिड्यूस फ्लू गैस साइट कोरोजन। तो अब हम लोग सूट ब्लोइंग कर देते हैं तो जितना भी वहाँ से डस्ट होता है वो क्लीन हो जाता है, और एक तरह से हमारा ट्यूब जो होता है एक तरह से उसका क्लीनिंग भी हो जाता है, और ये क्या करता है जो फ्लू गैस साइड जो क्रोजन होता है उसको भी रिड्यूस करता है, उसको भी कम करता है। एट द लास्ट हम लोग देखते हैं कि इंक्रीज बॉयलर एफिशिएंसी। अब हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा, हमारा कोल कंजप्शन घट जाएगा, उसको रिड्यूस कर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा बॉयलर एफिशिएंसी जो होगा एट द लास्ट इंक्रीज करेगा, मेंटेन रहेगा। ओके तो यही हो गया हमारा सूट ब्लोअर के बारे में। तो आई होप कि सूट ब्लोअर और सूट ब्लोइंग से रिलेटेड ये जो टॉपिक है ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस टॉपिक को आसानी से समझ पाए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।